तो गाइस टाइगर का मैसेज आज आया है। ये एक टीजर है और टीजर में ज्यादा चीजें पता नहीं चलती, जब ट्रेलर रिलीज करेंगे तब कुछ पता चलेगा। तो गाइस इस टीजर को देखकर ऐसे लगता है कि सलमान कुछ प्लानिंग रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसका कहना है कि 20 साल इंडिया के भारत के रक्षा में लगाया और रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब कुछ कहना चाहता है। फिर हम सुनते हैं कि न्यूज चैनल में ये बताया जा रहा है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, और मुझे लगता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग है सलमान खान की, यानी कि टाइगर की। सब ये बता रहे हैं कि टाइगर दुश्मन है। आपको तो पता है न्यूज चैनल्स कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगता, लेकिन यहाँ टाइगर इतना मतलब नाराज है कि वो सारे देश से कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र मांग रहा है उसके कैरेक्टर का। तो गाइज इस टीजर में सिर्फ सलमान खान को दिखाया है, किसी और को नहीं। फिर जबरदस्त एक एक्शन सीन है और यह फिल्म होगी रिलीज 10 नवंबर को। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके OTT राइट्स किसने लिए हैं और कितने में लिए हैं। तो गाइज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके न्यूज के हिसाब से प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 200 करोड़ में लिया है, और सैटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क, ये तो सबको पता है। लेकिन ये फिल्म कब आएगी मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई और दूसरा चैनल जब कोई हिट फिल्म टेलीकास्ट करेगा तब उसे टक्कर देने के लिए स्टार गोल्ड इस फिल्म को टीवी पर पहली बार प्रीमियर करेगा। आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना, मुझे नहीं सबको बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सब कुछ फ्री है। थैंक यू सो मच।